ओके स्टूडेंट, सो देखिए अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ लीवर, काइंड्स ऑफ लीवर्स, ठीक है। काइंड्स ऑफ लीवर, देखिए लीवर जो है हम लोग उसको थ्री क्लास में बांटते हैं। नंबर वन क्लास वन लीवर, क्लास वन लीवर। नंबर टू हो गया, इसको बोलते हैं क्लास टू लीवर, और नंबर थ्री हो गया क्लास थ्री लीवर, ठीक है। हम लोग जो है इसे तीन क्लास में बांटते हैं, क्लास वन लीवर, क्लास टू लीवर और क्लास थ्री लीवर। और मैं जो है सिंगल सिंगल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरह से लीवर का किस किस तरह से यूजेज होता है, ठीक है। और हमारा जो आपसे जितना वीडियो होगा सारा का सारा वीडियो जो है आपको मैं दूंगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट जो है लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का कुछ कुछ इशू हो रहा है नेटवर्क का, इसलिए आप लोग को मैं सारा क्लास जो है लाइव ही दूंगा, ये लाइव बोलता हूँ रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, पहले नंबर वन पढ़ते हैं क्लास वन लीवर, ठीक है। क्लास वन लीवर क्या होता है, किसको बोलते हैं क्लास वन लीवर, ठीक है। तो क्लास वन लीवर का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, फलक्रम का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बता देता हूँ, बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक दो डायग्राम बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सीसो का डायग्राम, क्योंकि पहले इससे पहले मैं कुछ लिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए क्लास वन लीवर में क्या होता है, फलक्रम जो होता है वो इफोर्ट और लोड के बिल्कुल बीच में होता है, दोनों के बीच में फलक्रम होता है। फलक्रम मतलब वो फिक्स पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सीसो का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखिए सीसो है, सीसो एक झूला होता है, आपने बैठा होगा स्कूल के टाइम में या पार्क में जाते होंगे, छोटे बच्चे बैठते हैं ना, इसमें क्या होता है इस तरह से तख्ता लगा होता है, और क्या करते हैं उस पर बच्चे बैठते हैं, एक बच्चे इस साइड बैठते हैं, एक बच्चा इस साइड बैठा हुआ है मान लीजिए, और एक इंसान इस साइड, या बच्चा इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है सेंटर में, यहाँ पे फोर्ट, ठीक है, यहाँ से ये लोड है मान लीजिए, और ये क्या है इफोर्ट है। तो इफोर्ट और लोड के बीच में फलक्रम होगा। लीवर वन कैसे पहचानेंगे, लीवर वन है अगर उसका फलक्रम, इफ द फलक्रम इज बिटवीन द इफोर्ट एंड लोड, दैट मीन्स यू नो दैट दिस इज अ क्लास वन लीवर। क्लास वन लीवर को पहचानने का एक तरीका, अगर डायग्राम दे दिया और आपको बोला जाए कि कैसे पहचानेंगे कि ये क्लास वन लीवर है या क्लास टू है क्लास थ्री है, तो फलक्रम का पोजीशन से हम पहचान सकते हैं। अगर फलक्रम का पोजीशन मिडिल में हो तो वो क्या हो गया आपका क्लास वन लीवर। कुछ और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए एक हथौड़ा, हथौड़ा देखा होगा आपने, काटी उखाड़ने वाला जो होता है, मैं बना दे रहा हूँ, बोले डायग्राम उतना अच्छा ना बने, ठीक है, बस समझने के लिए सिंपल सा जान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हथौड़ा है और यहाँ पे कांठी है, और इस कांठी को आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है आपका लोड है, ठीक है, और आप इफोर्ट कहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे पकड़ते हैं ना, इफोर्ट मतलब क्या, जो आप काम कर रहे हैं, यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप कहाँ पे काम करते हो, आप इस हथौड़े के इस हैंडल को पकड़ते हो, यहाँ पे इफोर्ट लगाते हो, और जहाँ पे काठी है वहाँ पे क्या होता है लोड लगता है और ये उखड़ जाता है। और फलक्रम क्या हो गया, जहाँ पे रखते हो आप, जहाँ पे इस हथौड़े को फिक्स करते हो, जब आप इसे काठी निकालते हो तो हथौड़े को फिर रखते हो, जहाँ पे वो फिक्स करते हो फलक्रम, यानी क्या हो गया इफोर्ट और लोड के बीच में हो गया फलक्रम। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, कौन सा लीवर का एग्जांपल हो गया, क्लास वन लीवर का एग्जांपल हो गया। बस इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही समझना है कि इसमें जो है क्लास वन लीवर में जो है फलक्रम जो है वो लोड एंड इफोर्ट के बीच में होता है। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप, मतलब क्लास वन लीवर का एग्जांपल कौन कौन सा आ गया क्लास वन लीवर में। नंबर वन पहले ही बताया सी सॉ, ठीक है। नंबर टू एग्जांपल अभी बताया मैंने, क्लॉ हैमर,
ठीक है, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम वहाँ से देख सकते हैं, नाम से ही डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, देख सकते हैं, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सीजर, सीजर मतलब कैंची, जिससे कपड़े उपड़े काटते हैं, जो भी कैंची है वो भी क्या होता है, फलक्रम कहाँ होता है, उसके बीच पोजिशन पर होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लेयर्स मतलब क्या होता है, वो जिसे वो चिमटा जिसको बोलते हैं वो बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे वैसे एग्जांपल है, ठीक है। और आप एग्जांपल देख लीजिए क्रोबार, क्रोबार मतलब जिससे जो है कोई तख्ता अगर कांटी में उठा हुआ, क्रोबार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे काट है और यहाँ पे एक काट है जिसपे काठी लगा हुआ है, ठीक है, काठी लगा हुआ, तो आप क्या करते हैं, ये इस टाइप का रहता है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे इसको फंसाते हैं, इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आप एक फोर्ट लगाते हैं और यहाँ पे जहाँ पे ये उखाड़ता है इसको, यहाँ पे लोड लगता है और जहाँ पे टच कर रहा है, गौर से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो काठ पे जो टच कर रहा है ये फल्क्रम, यानी फल्क्रम क्या है, दोनों के बीच में, तो ये सब क्या है, क्लास वन लीवर का एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। अब और एक चीज़ देख लीजिए नोट में, क्लास वन लीवर के लिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फॉर क्लास वन लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो कैन हैव एनी वैल्यू आइदर ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन और लेस देन वन, यानी क्लास वन लीवर का जो वैल्यू निकालेंगे, अगर उसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाले या वेलोसिटी रेशियो निकाले, तो या तो वो वन से ग्रेटर भी हो सकता है, वन के बराबर भी हो सकता है, वन से कम भी हो सकता है, क्लास वन लीवर, नहीं क्लास टू लीवर में ऐसा नहीं होता, क्लास टू लीवर में क्या आता है, वो हमेशा वन से ज़्यादा होता है, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास वन लीवर का क्या हो गया कि मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमेशा क्या होगा, वन होगा, ज़्यादा होगा, वन के बराबर होगा या वन से कम होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास टू लीवर, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास टू लीवर्स, क्लास टू लीवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास टू लीवर्स में देखिए क्या होता है, इन दिस लीवर फलक्रम जिसको एफ से डिनोट करते हैं एंड द इफोर्ट ई आर एट द टू एंड्स ऑफ द लीवर एंड द लोड एल इज समवेयर इन बिटवीन द इफोर्ट, ठीक है। क्या होता है क्लास टू लीवर में जो फलक्रम है और इफोर्ट जो है वो क्या होता है, दो इंड लीवर का लोड के किसी एक तरफ होता है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, लोड के इफोर्ट के कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी जो आपका जो इफोर्ट है और जो फलक्रम है एट द टू इंड ऑफ द लीवर, लीवर के किसी भी टू इंड में हो सकता है, एंड लोड इज समवेयर इन बिटवीन द इफोर्ट, ठीक है। और लोड क्या है, इफोर्ट के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा, जैसे देख लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे आप देख लीजिए बोटल ओपनर देखा है, मान लीजिए ये बोटल है, ठीक है, ये बोटल है, ठीक है। बोटल ओपनर कैसा होता है, ऐसा ही होता है बोटल ओपनर,
तो ये क्या होता है, यहाँ से ओपन कर रहा है, यानी जहाँ से ओपन कर रहा है वहाँ पे लोड हो गया, आप जहाँ पे पकड़े हुए आप यहाँ पे पकड़ते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया इफोर्ट हो गया, और जहाँ पे फिक्स है यहाँ पे क्या हो गया फलक्रम हो गया। यानी देखिए कोई निश्चित नहीं है, लोड यहाँ पे है, इफोर्ट यहाँ पे, फलक्रम यानी जिधर लोड है उधर ही फलक्रम है, पास मॉलिंग पर पैसा नहीं था, दोनों के बीच में ही फलक्रम था, लेकिन यहाँ पे क्या है कोई भी एक साइड में फलक्रम आ गया, कोई भी एक साइड में इफोर्ट के किसी भी एक साइड में लोड आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अब एक बात करते हैं, जैसे सुपारी काटते हैं, आपने देखा होगा तो पान के दुकान में आपने देखा होगा सुपारी काटने वाला कैसा होता है, यहाँ पे एक गोल चक्का होता है और यहाँ पे ये ऐसा होता है और यहाँ पे ये आके ये ऐसा ही होता है और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा होता है और यहाँ पे ये ऐसा होता है और यहाँ पे बीच में सुपारी रखते हैं, तो क्या होता है आप यहाँ पे इफोर्ट लगाते हैं, यहाँ से ऐसे करके इसको दाबते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सुपारी रखा तो यहाँ पे लोड लगता है, क्या लगता है यहाँ पे लोड, अब फलक्रम क्या होता है यहाँ पे फलक्रम, यानी देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया फलक्रम एक साइड हो गया, इफोर्ट लोड एक साइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया इफोर्ट अलग हो गया, लोड एंड फलक्रम एक ही साइड में हो गया। तो यानी कोई निश्चित नहीं होता है कि लोड कहाँ होगा इफोर्ट कहाँ होगा, कोई किसी भी एक साइड में होगा, ऐसा जब अरेंजमेंट होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लास टू लीवर। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जो एग्जाम्पल पूछते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए, नंबर वन क्या है बोतल ऑपनर, जो अभी बताया मैंने बोतल ऑपनर। नंबर टू एग्जाम्पल देख लीजिए नट क्रैकर, जो अभी मैंने बताया डायग्राम बना के नट क्रैकर, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, तीन चार एग्जाम्पल, बार टू लिफ्ट लोड, देख लीजिएगा आपके डायग्राम बना हुआ है बुक में, ठीक है। व्हील बोरो, व्हील बोरो मतलब वो जो कूड़ा गाड़ी जो होता है, हाथ वाला कूड़ा गाड़ी जो ठेल के ले जाते हैं हाथ से, ठीक है। तो ये सबका डायग्राम देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, सभी चीज़ का डायग्राम बनाना संभव नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए मैंने बता दिया कि क्लास टू में क्या होता है इफोर्ट लोड किसी भी एक साइड होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसमें नोट कर लीजिए एक चीज, क्लास टू लीवर के लिए द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास टू लीवर आर ऑलवेज मोर देन वन, ऑलवेज क्या हो जाएगा मोर देन वन, यानी क्लास टू लीवर जो होगा वो ऑलवेज उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो है वो हमेशा वन से ज़्यादा, अगर वन से कम हुआ तो वो क्लास टू लीवर नहीं होगा, यानी आपने कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स में गलती किया, हमेशा उसका आंसर यानी मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो जो है वो हमेशा ही जो है आपका वन से ज़्यादा ही होगा, तो वो क्लास टू लीवर का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब करते हैं क्लास थ्री लीवर, क्लास थ्री, ठीक है, क्लास थ्री लीवर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दिस लीवर द फलक्रम एफ एंड द लोड एल आर एट द टू एंड्स ऑफ द लीवर एंड द इफोर्ट ई इज समवेयर इन बिटवीन द फलक्रम एफ एंड द लोड एल। इसको गौर से समझिए, क्या बोल रहा है, इन दिस लीवर द फलक्रम एंड लोड आर एट द टू एंड ऑफ द लीवर एंड द इफोर्ट इज समवेयर बिटवीन द, देखिए यहाँ पे क्या है, इफोर्ट जो है वो फलक्रम और लोड के बिटवीन में ही रहेगा, बीच में ही रहेगा, लेकिन क्या था क्लास टू लीवर में, कभी इफोर्ट और लोड एक साइड हो जा रहा था, फलक्रम दूसरे साइड हो जा रहा था,
क्लास वन लीवर में क्या था, फलक्रम दोनों के बीच में था, लेकिन क्लास थ्री लीवर में क्या है, फलक्रम जो है एंड लोड जो है वो बिटवीन होगा किसके, इफोर्ड का, यानी इफोर्ड इज समवेयर बिटवीन फलक्रम एंड लोड, फलक्रम और लोड के बीच में ही इफोर्ड होगा। और जब ऐसा कोई केस नज़र आ रहा है कि फलक्रम और लोड के बीच में इफोर्ड लग रहा है तो इसका मतलब वो क्लास थ्री लीवर है। जब मैं डायग्राम बताऊंगा अभी तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लास थ्री लीवर का मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए नाइफ, नाइफ आपने सभी ने देखा है, ठीक है, आप सभी लोगों ने क्या देखा है, नाइफ को देखा है, ठीक है। ये नाइफ हो गया, नाइफ से क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग काटते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, किसी चीज़ को काट रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, लोड हो गया, यहाँ पे पकड़े हुए हैं, यानी ये इफोर्ट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इफोर्ट हो गया, ठीक है। और फलक्रम कहाँ हो गया, ये फिक्स पोजीशन है फलक्रम, यानी देखिए क्या हो गया, क्लास थ्री लीवर क्या बोल रहा था आपको, कुछ पढ़िए फिर से, बोल रहा था फलक्रम एंड द लोड एल एट द टू इंड, फलक्रम एंड लोड एल क्या होगा, दोनों सेम इंड पे होगा, एंड द इफोर्ट इज बिटवीन, इफोर्ट इज बिटवीन लोड एंड फलक्रम। देखिए इफोर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, फलक्रम इधर है और लोड इधर है और ये इफोर्ट इधर है, यानी फलक्रम और लोड के बीच में देखिए इफोर्ट लग रहा है। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोगों ने पता नहीं ये चीज़ देखा होगा आपने, फुट ट्रेडल, फुट ट्रेडल देखा है कि नहीं आप लोगों ने पता नहीं, शुगर टोन, शुगर टोन भी देखा है कि नहीं आप लोगों ने पता नहीं, शुगर टोन मतलब कुछ नहीं, ये मान लीजिए शुगर का एक पीस है, ठीक है, अब हमको इसको उठाना है तो उसके लिए एक होता है ना, अरे मिठाई उठाई उठाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मिठाई उठाने के लिए एक चिमटा होता है ना, बढ़िया सा इसको चिमटा, मिठाई को पकड़ने के लिए, शुगर को पकड़ने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये मिला हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये फलक्रम हो गया, ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं शुगर को, तो ये हमारा क्या हो गया, लोड हो गया, और यहाँ पे अपने हाथ से इफोर्ट लगाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने हाथ से इफोर्ट लगाते हैं, तो यानी ये यहाँ पे क्या हो गया इफोर्ट, तो देखिए इफोर्ट क्या हो गया, लोड एंड फलक्रम के बीच में हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लास थ्री लीवर हो गया। समझ में आ गया, ये याद रखना जरूरी है कि क्लास थ्री लीवर कैसे पहचानेंगे इसको, जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे फुट ट्रेडल, ठीक है, डायग्राम देख लीजिएगा, शुगर अभी बताया मैंने, शुगर टोन्स का, शुगर टोन्स जो शुगर को पकड़ते हैं, तीसरा हो गया नाइफ, और चौथा क्या हो गया, स्पेड लिफ्टिंग अ लोड, स्पेड लिफ्टिंग अ लोड मतलब किसी में लोड देके उसको उठाते हैं, डायग्राम देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्लास थ्री लीवर मतलब क्या हो गया है कि इफोर्ट जो है हमारा वो फलक्रम और लोड के बीच में ही होगा, 100% श्योर है, ठीक है। चलिए अब कुछ नोट देख लेते हैं, क्लास थ्री लीवर का नोट देखिए, द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास थ्री लीवर इज ऑलवेज लेस देन वन, यानी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो जो होगा हमेशा वन से कम होगा, याद रखिएगा। सेकेंड टू लीवर हमेशा वन से ज़्यादा होगा, और क्लास वन लीवर या तो जीरो होगा या ज़्यादा होगा कम होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है इसका, जो आप लोगों को जानना जरूरी है क्लास ये लीवर के लिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल है कुछ लीवर का, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, हमारे ह्यूमन बॉडी का भी कुछ कुछ पार्ट है जो किस तरह से काम करता है, एज ए लीवर के अनुसार काम करता है, मशीन के तरह, क्यों हमारा बॉडी भी एक तरह का मशीन ही है, समझिए नेचुरल मशीन है। हमारे बॉडी में भी क्या होता है, स्क्रू जैसा होता है ना, जॉइंट होता है, वो क्या काम करता है, स्क्रू का काम करता है। हमारा फिंगर क्या है, फिंगर में जो टेंडन है वो क्या है, एक तरह का स्प्रिंग की तरह काम करता है, हम हाथ को मोड़ सकते हैं,
काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो स्कल है, माथा का स्कल है, वो किस तरह से काम करता है, एक तरह का कवर की तरह काम करता है जो हमारे ब्रेन को बचाता है। हमारा रिब क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को बाहर के चोट से बचाता है, इंजरी होने से बचाता है। तो बहुत हद तक जो है हमारा बॉडी भी एक तरह का मशीन टाइप से ही है, इसमें भी लीवर होगा। किस तरह से वो काम करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं हमारा बॉडी पार्ट में कहाँ पे किस टाइप का लीवर की तरह काम करता है। राइट, नंबर वन, क्लास वन लीवर इन एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड। हेड को जब हम आगे पीछे नोडिंग करते हैं या हेड को जब हम नोडिंग करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये हमारा हेड है, ये हमारा स्कल है। ठीक है, जब हम नोडिंग करते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्या होता है, पाइप है, यहाँ पे पाइप है, इसी के चारों तरफ ऐसे 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 नोडिंग होता है। यानी क्या होता है, ये हमारा फलक्रम हो गया, ये फिक्स पोजीशन होता है, ये नहीं घूमता है। ये क्या है, हमारा इफोर्ट है, मतलब हम पीछे की ओर क्या करते हैं, जब ये करते हैं तो हमारा इफोर्ट ये हो जाता है, और जब आगे की ओर हम लोग यहाँ पे प्रेशर करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, लोड हो जाता है फ्रंट पार्ट पे। तो देखिए क्लास वन लीवर के लिए क्या बताया था मैंने कि फलक्रम जो है सिर्फ यही देखना है, फलक्रम कहाँ पे है, फलक्रम हमारा जो है फिक्स पोजीशन कहाँ पे है। फलक्रम मतलब समझ जाइए फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन हमारा कहाँ पे है, इफोर्ट एंड लोड के बीच में है। अगर इफोर्ट और लोड के बीच में हमारा फिक्स पोजीशन है, इसका मतलब ये कौन सा लीवर का एग्जांपल है, क्लास वन लीवर का एग्जांपल है। तो ये इस तरह से पहचानेंगे फलक्रम को, पोजीशन से हम लोग पहचानेंगे कैसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी क्लास टू लीवर, व्हेन वी राइजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टो। अब जब टो पे खड़े हो जाते हैं, कभी खड़े होके देखिए, जब टो पे खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो पार्ट आपका धरती पे टच हो जाता है यानी यहाँ पे फिक्स हो जाता है, और इसको आप ऊपर उठाते हैं, मतलब यहाँ पे आप इफोर्ट लगाते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये धरती पे यहाँ पे लोड पड़ता है जो पूरे के पूरे इस बॉडी को उठाने की। तो सिंपल यहाँ पे कहने का मैं ये बात है कि यहाँ पे फलक्रम देखिए, यहाँ पे लोड एंड इफोर्ट क्या है, एक पोजिशन पे द फलक्रम कहाँ पे, यहाँ पे फलक्रम देखिए कहाँ पे है, फलक्रम इज एट द टोज एट वन इंच। ठीक है, एक इंच पे है, एंड इफोर्ट एंड लोड एल, ये सब कहाँ पे है, इफोर्ट कहाँ पे है, लोड कहाँ पे है, बाय मसल इन अदर। ठीक है, यहाँ पे है अदर इंच पे, इफोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे या ऐसे लिख दीजिए समझने के लिए ज़्यादा आसानी होगा, इफोर्ट कहाँ पे है, इफोर्ट आपका कहाँ पे है, मसल में है, प्लस इन अदर इंच, और लोड कहाँ लग रहा है हमारा, लोड कहाँ लग रहा है, वेट कहाँ लग रहा है, इन द मिडिल। तो देखिए क्लास टू लीवर का क्या था कि फलक्रम एक साइड होगा और इफोर्ट एंड लोड किसी और साइड होगा, मतलब एक साइड हो जाएगा, कोई निश्चित नहीं किसी वन साइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, इफोर्ट क्या होगा, लोड के किसी एक साइड होगा, तो हमारा वो क्लास टू लीवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे जब टो को उठाएंगे तो ये धरती पर टच हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है, फलक्रम है, और यहाँ पे लोड है, इफोर्ट है, तो ये क्या हो गया, क्लास टू लीवर हो गया। इसको गौर से देखिए, तो इसी तरह से क्या होता है, क्लास टू लीवर हो गया। क्लास वन लीवर फलक्रम बीच में होगा, क्लास टू लीवर लोड एंड इफोर्ट किसी एक साइड में होगा, और क्लास थ्री लीवर में क्या था, इफोर्ट बीच में लगेगा। देखिए कैसे मैं इफोर्ट बीच में लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्लास थ्री लीवर किस तरह से हमारे बॉडी पार्ट में होता है, जैसे हम लोग कोई हाथ से किसी लोड को उठा रहे हैं, किसी कप को उठा रहे हैं, किसी चीज को उठा रहे हैं, तो जहाँ से हम काम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, लोड यहाँ पे फिक्स होता है, ये इफोर्ट, और हम लोग दम कहाँ पे लगाते हैं, बाइसेप पे, जब जिम को करता है तो ये हाथ पे क्या करता है, यहाँ से इस चीज़ को उठाता है, तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे जब इसको इस तरह मोड़ता है, खोलता है, तो हमारा ये या बाइसेप बनता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमारा जो ये एल्बो है ये क्या फलक्रम का काम कर रहा है, हमारा जो बाइसेप है वो क्या काम कर रहा है, इफोर्ट का काम कर रहा है, और हमारा जो ये मिडिल
जो है लोड का काम कर रहा है, ये लोड का काम कर रहा है, ये पाम जो है हमारा क्या कर रहा है, लोड का काम कर रहा है। यानी सिंपल सी बात ये देखिए, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे फलक्रम है, और इसके बीच में लोड एंड इफोर्ट के, फलक्रम एंड लोड के बीच में कहीं पे इफोर्ट काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लास थ्री लीवर हो गया। क्योंकि क्लास थ्री लीवर मतलब क्या होता है कि फोर्स और लोड के बीच में कहीं पे भी इफोर्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पुली स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ दिन में ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो लीवर बताया है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बताया है, ये सब बताया है, ये सब याद नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल से एक भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये सब अच्छे से याद कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ओके। आज के लिए इतना ही रखते हूँ, थैंक यू। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। अब से आप लोग क्लास जो है रिकॉर्डेड मिलेगा।